नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन पर और उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम दिखाते हैं आपको कि सोलर पैनल कैसे परफॉर्म करता है और इसकी कितनी इसकी क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 पैनल लगे हुए हैं, 2 एक जगह लगे हुए हैं और 2 एक जगह लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग स्टैंड पर हैं। 5 वाट के स्टैंड है जो उस पर लगे हुए हैं और ये लूबी कंपनी के पैनल है और 4 पैनल का इसमें इस्तेमाल किया गया है और 4 पैनल ये 260 वाट का पर पैनल है। तो अभी देखते हैं कि सोलर पैनल की डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, एक बार पीछे से देख लें। ये देखिए, ये दोनों स्टैंड अलग अलग लगाए गए हैं, GI का स्टैंड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये GI का स्टैंड है और अभी देखते हैं इस पैनल की डिस्क्रिप्शंस क्या है। ये देखिए, ये 260 वाट का पैनल है और जो इसकी वोल्टेज है वो 31.8 है और जो ऑपरेटिंग करंट है वो है 8.18 एम्पियर। जो मैक्सिमम जो वोल्टेज है इसकी, जिसको VOC बोलते हैं, वो है 37.74 और जो मैक्सिमम जो एम्पेयर है वो है 9.07 और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है वो है 600 वोल्ट और जो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज फॉर IEC है वो है 1000 वोल्ट। तो ये हर पैनल की यही डिस्क्रिप्शन है, जो 4 पैनल लगे हुए हैं, चारों के चारों पैनल की सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम ही 260 वाट के सभी पैनल लगे हुए हैं। अब देखते हैं इनके वायर कैसे कनेक्ट किए हुए हैं। ये सिस्टम जो लगा हुआ है ये 2 बैटरीज के ऊपर लगा हुआ है और ये इसका प्लस का जो पॉइंट है और प्लस का पॉइंट ये इधर है और नीचे भी इसी प्रकार से जो प्लस का है और उसी प्रकार से, यानी कि जो सभी प्लस के हैं पैनल्स के, तो वो सभी एक जगह जोड़े गए हैं यहाँ इस प्रकार से। ये सभी प्लस हैं और ये यहाँ पर माइनस का जॉइंट किया गया है और इनमें से फिर 2 तारे नीचे जाती हैं क्योंकि ये एक प्लस की है और एक माइनस की है। अब ध्यान रखना, ये सिस्टम जो है वो 2 बैटरीज के ऊपर लगा हुआ है और 2 बैटरीज की जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है, इसीलिए इस सिस्टम के जो कनेक्शन किए गए हैं वो प्लस के एक तरफ किए गए हैं और माइनस के एक तरफ किए गए हैं, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वो हमने दिखाई है आपको, एक बार दोबारा देख लें, 31.8 वोल्ट है इसकी जो रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो अभी देखते हैं कि इसके नीचे कनेक्शंस किस प्रकार किए गए हैं। तो चलिए एक बार नीचे चलते हैं, देखते हैं। ये है वो दोनों तारें जो ऊपर से आई हैं, इसमें ये प्लस है, थोड़ा रेड दिखाई दे रही है आपको, और ये है जो माइनस की वायर है। अब इन दोनों तार का जो कनेक्शंस है वो इन दोनों तार का सीधा कनेक्शन कंट्रोलर में किया गया है, ये इस प्रकार से। ये यहाँ जो SPV लिखा हुआ है और ये प्लस और ये माइनस, यानी कि जो प्लस का तार है वो इस प्लस वाले पॉइंट पर नीचे और जो माइनस का है वो माइनस वाले पॉइंट पर नीचे। अब जो दोनों ऊपर से तार आई है वो यहाँ पर कनेक्ट है। अब इनमें से 2 तारें जो ली गई हैं, ये क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये है बैटरीज, ये माइनस का ये प्लस का, यानी कि यहाँ से जो 2 तारें ली गई हैं, ये वाली और ये जो दूसरी तार है, ये दोनों प्लस और माइनस की हैं, जो कि माइनस के टर्मिनल पे बैटरी में यहाँ लगाई गई है और प्लस के टर्मिनल पे यहाँ लगाई गई है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शंस किया गया है। 2 तार जो ऊपर से आई थी ये सीधे कंट्रोलर में और कंट्रोलर से फिर जो 2 तार निकले हैं अलग से, वो फिर दोनों बैटरीज में अटैच की हुई हैं। और बैटरीज में एक चीज़ और देखना, ये जो 2 तारें हैं, एक ये वाली और एक ये जो ब्लैक है, ये दोनों तारें ये इन्वर्टर की हैं और ये दोनों कंट्रोलर की हैं और दोनों बैटरीज का कनेक्शन सीरीज़ में हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों सीरीज़ में लगाई गई हैं बैटरीज। और इसकी अभी देखते हैं ये कितने परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी सोलर की जो वोल्टेज आ रही है वो 35.2 वोल्ट आ रही है और जो आगे जा रही है वो 2.1 एम्पियर आगे जा रही है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, हम जैसे ही इस पर लोड डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक से इसके जो, यानी कि एम्पियर जो आ रही है वो उसको बढ़ा देगा, क्योंकि सोलर उतनी ही करंट को आगे देगा, ये जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर उतनी ही करंट को आगे देगा जितनी बैटरी को आवश्यकता होगी। अभी बैटरी लगभग फुल है
तो इसीलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1.2 एम्पेयर बस इतना ही जा रहा है। तो हम लोड नहीं डालते तो ये एम्पेयर कम कर देता है। अभी एक बार लोड डाल के दिखाते हैं आपको। अभी लोड डलेगा इस पर, अभी देखना है कितना एम्पेयर होता है। अभी हमने इस पर फुल चलाया है, एकदम से 6, 10, 14, 17, 21, 20, यानी कि यहाँ एम्पियर तक चार्जिंग दे रहा है। ये देखिए जैसे ही लोड डाला इसने अपनी एम्पियर बढ़ा दी। और क्योंकि इन्वर्टर पे लोड पड़ता है तो इन्वर्टर थोड़ा, ये आवाज़ जो आ रही है इन्वर्टर की आवाज़ आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं अगर हम इस पर और लोड डालेंगे तो ये एम्पीयर और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पे जो 10 आ रही है, 9 आ रही है, 8 आ रही है, तो इसको 20, 25, 30 ऐसे कर देगा। ये मैक्सिमम जो एम्पीयर देगा वो 32 एम्पीयर तक मैक्सिमम देगा। तो ये था हमारा आज 1 किलोवाट का जो कंप्लीट सेटअप था विद कंट्रोलर। ये ऑफग्रिड सिस्टम है आपने देखा। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपका मान लीजिए बैटरी फुल है आपकी और ऊपर से अगर पूरी जो धूप भी आ रही है तो सोलर तब भी आगे चार्जिंग नहीं देगा, क्योंकि जितनी बैटरी को आवश्यकता होगी उतनी ही ये चार्जिंग देगा। जैसे अभी हमने दिखाया आपको, ये 2 एम्पियर दिखा रहा था जब हम लोड डाल देते हैं, ये देखिए। और जब लोड डालते हैं तो एकदम से एम्पियर बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।